वेलकम टू फिशिंग क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं नसरुल्ला, आपका दोस्त। देखिए, ठंडी के लिए बहुत सारे फिशिंग बाइट लेकर आया हूं और इंशाल्लाह ऐसे आपका साथ रहेगा तो और अच्छे अच्छे से बाइट लेकर आऊँगा। आज का बाइट भी एकदम स्पेशल है। ये हुक बाइट के लिए आता है, ग्राउंड बाइट के लिए आता है, फीडर बाइट के लिए आता है और चराई के लिए भी आता है। देखिए दोस्तों, मैं जो बाइट बनाता हूँ एक ही मकसद रख के नहीं बनाता। एक बाइट लेके जाएंगे तो कम से कम ग्राउंड बेट के लिए और हुक बेट के लिए और फीडर बेट के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर पॉपअप पे भी फिशिंग करते हैं और चार पांच हुक पे भी फिशिंग करते हैं। जैसे वहाँ पर चलता है वैसे फिशिंग करते हैं, इसलिए मैं बेट बनाता हूँ। तो आप लोग जैसे भी आपको पसंद है वैसे फिशिंग कर सकते हैं बेट में। और आज का बेट भी स्पेशल है और जो भी बेट बना कर डाला हूँ उसका रिजल्ट भी मुझे माशाल्लाह मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो भी लोग मछली पकड़ रहे हैं तो डाल रहे हैं। मैं सोचा क्या है, वो ये लोग मछली पकड़ रहे हैं तो डिस्प्ले क्या करें, मगर रिज़ल्ट माशाल्लाह अच्छा है। अगर चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम से जो जो लोग मुझे मछली पकड़ कर सेंड कर रहे हैं व्हाट्सअप पे, नेक्स्ट टाइम से डिस्प्ले भी करूँगा। और मैं एक वीडियो में आपको एक ऑफ़र दिया गया था, 10 फीडर, 5 पॉपअप, 200 हुक, 12 नंबर 13 नंबर का 200 पीस हुक, 2 बॉक्स हुक। ये लिमिटेड ऑफ़र है और जो भी लोग अब तक बुक किए हैं उन लोगों के लिए मंडे के दिन सेंड किया जाएगा। कम से कम 100-100 चिल्लर लोग अभी तक बुक किए हैं, उनको उनके लिए मंडे के दिन इंशाल्लाह सेंड करके एक्नॉलेजमेंट कोरियर का सेंड किया जाएगा। और क्योंकि एक लिमिटेड ऑफ़र है दोस्तों, अगर आप वो आप दूसरे पर दूसरी जगह पर ख़रीदेंगे तो आप उसका कीमत जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है। मैं इसलिए ऑफ़र दे रहा हूँ कि सिर्फ वीडियो नहीं देखे, कुछ सब्सक्राइबर्स को कुछ व्यूवर्स को ये तोहफा भी, तोहफे के ज़रिए भी हो सकता है। और कम कीमत में दे रहा हूँ मैं आपके लिए, आप लीजिए। और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी दबाइए, जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और इस बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह का भी है नेक्स्ट इंशाल्लाह, आप सब लोग दुआ कीजिए। ये बार जो गिव अवे किया था ऐसे ही नेक्स्ट टाइम भी बहुत जल्दी से गिव अवे फिर दोबारा करूँगा और उसमें भी बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह रखूँगा। अभी जो लोग मेरे पास ये 1000 रुपीज़ का जो मैं बता गया था, 10 फीडर, 5 पॉपअप रिग तैयार हुआ और 200 हुक, 12 नंबर 13 नंबर 100-100 का हुक, जो लोग अब वो परचेस करेंगे तो उनको एक साल तक जो भी प्रोडक्ट्स मेरे पास परचेस करेंगे उसमें हर प्रोडक्ट में 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जनवरी से जनवरी तक, 2020 से 2021 तक, जनवरी तक 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और हुक वगैरह जो भी चाहिए आपको इंशाल्लाह हमारे पास मिलेगा, रॉड, रील, लोयर्स, फ्रॉग, हुक छोटा बड़ा जो भी चाहिए वो मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब मुद्दे की बात करेंगे, हुक बेट बनाएंगे, चराई हुक बेट, फीडर बेट। देखिए ये चीज़ यहाँ पर रखा हूँ, आपको दिख रही है, सोच रहे होंगे ये चीज़ क्या है। देखिए ये एप्पल है, एप्पल मतलब सेब, सड़ा हुआ, अच्छा वाला नहीं, सड़ा हुआ, देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल सड़ा हुआ एप्पल है। और इसको हमारे यहाँ नारंगी बोलते हैं, इसको छिल के भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये भी सड़ा हुआ चाहिए दोस्तों, ये आपको कई फ्रूट्स के दुकानों पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं बाइट बनाता हूँ नेचुरल बाइट और रिज़ल्ट भी अच्छा रहे। अभी ये समझ में आ रहा होगा ये बाइट क्यों बना रहा हूँ मैं। देखिए बहुत सारे लोग स्पिरिट, दारू वगैरह डालते हैं, माफ़ कीजिए ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मछली के इंसान तो इंसान, मछली के लिए भी स्पिरिट और दारू की आदत डाल रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स। मैं गुजारिश करूँगा स्पिरिट केमिकल वगैरह का बाइट बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे हमारे लिए तो फ़ायदा है, बहुत सारा फ़ायदा है, मछली जल्दी अट्रैक्ट होगी, मछली जल्दी मिलेगी, फ़ायदा तो है, मगर उसे नेचुरल भी बना सकते हैं आप। देखिए सेब है, अंगूर है, नारंगी है, इसमें कैसे बनाना है बट अब मैं बताऊंगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसा करते जाइए आप। देखिए दोस्तों, एक स्टोव घर पे जो रहता है उस पर ले लीजिए, इसको थोड़ी देर बॉयल करना है, बताता हूँ। देखिए बस, मतलब आप एक एप्पल ले सकते हैं, ये या तो जितना आप चाहते हैं ले सकते हैं। चराई बना रहे हैं, ग्राउंड बेट कर रहे हैं तो कम से कम 4 एप्पल लीजिए, कम से कम 4 लीजिए, कम से कम 4 एप्पल लीजिए आप।
और एक पाव पाव केजी किलो अंगूर लीजिए। ये तीनों चीज़ डालकर थोड़ी देर तक बॉयल कीजिए। इसमें जो खुशबू आना है आपको बॉयल करने के बाद में आ जाएगी। धीमी आंच में बॉयल कीजिए। तीनों चीज़ मिला दिया, मैं बताया पहले ही आपको, अंगूर, एप्पल, धीमी आंच में दोस्तों। ये सारा बॉयल करके मैं आपको फिर से वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। कम से कम 15 मिनट अगर ये घट होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बॉयल कीजिए। धीमी आंच में रखिए। जो भी चीज़ें डाला हूँ मैं मिक्सी में ग्राइंड करके डाला हूँ, एप्पल ग्राइंड, फ्रूट्स में नारंगी ये भी ग्राइंड किया हूँ, सब ग्राइंड करके डालिए। मिक्स कैसे करना है बाइट में ये होने के बाद मैं बताऊंगा दोस्तों। कम से कम अभी 15 मिनट होना है। देखिए दोस्तों, एक हद तक तैयार हो चुका है। इसमें हींग डालिए, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हींग। देखिए हींग जो रहता है ना उसको थोड़ा डालिए, ज़्यादा नहीं। देखिए बस इतना। बस कुछ नहीं, फ्रूट में तीन चीज़ें, एप्पल सेब मतलब नारंगी अंगूर, ये तीन चीज़ का पेस्ट होना चाहिए क्लीन से। अब ये मिक्स कैसे करना है पूरा तैयार होने के बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब बनता है तो वक्त लगता है। आप बस वीडियो देखते रहिए, इसमें और क्या क्या चीज़ मिक्स करना है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये तैयार हो गया है। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद इसमें जो जो चीज़ मिक्स करना है कुक बर्ड के लिए, फीडर बर्ड के लिए, चराई के लिए क्या करना है ठंडा होने के बाद में बताऊंगा। तब तक वीडियो स्किप करूंगा दोस्तों, क्योंकि वक्त ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो अगर आपको पूरा दिखाएंगे। गर्म करने का, पकाने का हो जाएगा कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट इसको गर्म कीजिए, पकाइए, बाद में कम से कम 10-15 मिनट ठंडा कीजिए, बाद में मिक्स करने का बताऊंगा मैं। थोड़ी देर बाद स्किप करूंगा वीडियो। चले दोस्तों, इसको थोड़ा काढ़िए। ये इसलिए काट रहे हैं, ये क्यों बता रहा हूँ लास्ट में आपको। देखिए पहले इसमें खल डालिए, जितना आपको हुक के लिए लगाना है उतना आप इसमें खल मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मैदा थोड़ा, उसके बाद कॉर्न पाउडर, टेस्टिंग पाउडर बोलता हूँ ना वही, कॉर्न वाइट पाउडर है, कॉर्न का वाइट पाउडर, कॉर्न का वाइट पाउडर है दोस्तों। इसको मिक्स कीजिए, ठंडा करके मिक्स कीजिए। गर्म में मिक्स करेंगे तो हाथ जल जाएगा, ठंडा होने दीजिए उसको। इसमें पानी मत डालिए, मिक्स जब होता है तो ऐसे ही मिक्स कीजिए। क्योंकि सब चीज़ इसमें सड़ी हुई डाला हूँ। आप कहीं भी फ्रूट के दुकान पे जाके पूछेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आपका हुक बाइट तैयार हो गया। देखिए ये रिवर के लिए बहता हुआ पानी,
के लिए बहुत अच्छा बैट है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक टिकेगा। बहुत दिक्कत होती है स्ट्रांग हुक है, ये बहते हुए पानी में ज़्यादा देर तक टिकेगा दोस्तों। देखिए मैं ये आपको दिखाने के लिए हुक बंद कर रखा हूँ। ये जितना छोटा हुक और स्ट्रांग हुक रहता है उतना बेहतर है, और बैट भी छोटा छोटा करके लगाइए, क्योंकि ये रोहू मृगल कॉमन कार्प के लिए छोटा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों जितना आप चाहे, अगर ज़्यादा हुक रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ पर आप फेंकते हैं अगर एक हुक पे ख़त्म हो गया, छोटी मछली आकर खाई, तो दूसरे हुक पे तो मछली के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत सारे छोटी मछलियाँ रहते हैं। एक एक खाली हो जाएगा तो दूसरा तो बचकर रहेगा। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, जितना ज़्यादा हुक पे आप फिशिंग करते हैं बांध के उतना अच्छा है। देखिए फिनिशिंग दीजिए और बांध कर इधर जो वज़न वाला आता है शीश वगैरह जो भी बांधना है बांध कर आप फेंक सकते हैं। और कटले के लिए मैंने बताया था आपको, गए जो पहले जो वीडियो बनाया था उसी तरह है दोस्तों, और कुछ इसमें ज़्यादा लोचा नहीं है। बस इसको जमा कर धीरे से, क्योंकि बहुत स्ट्रांग हुक हुक स्ट्रांग रहता है, अगर फंस गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए हो गया है, इस तरह रहेगा तो मछली के लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए और ये जो पहले में काटा था उस चीज़ को अब इस्तेमाल करना है। अगर आप फेंक रहे हैं, अगर डाल रहे हैं, थोड़ा ये चीज़ इसके ऊपर लगा दीजिए, कोटिंग कर दीजिए। एक ही चीज़ में सब चीज़ हो जाएगी दोस्तों। इसको थोड़ा लगाकर आप फेंक सकते हैं। हुक हो ये हो, इसको थोड़ा ऊपर लगाकर कोटिंग करके लिपी कर फेंक सकते हैं, क्योंकि इसका ही सिर्फ वीडियो बनता है। मैं एक ही साथ में सब चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक एक अलग अलग दूसरा दूसरा वीडियो बनाने से अच्छा है एक बार सब चीज़ बता दूँ आपको। देखिए लगा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और जो हुक रहता है उस पर भी आप लगा कर फेंक दीजिए। ऐसा होगा तो थोड़ा लगा कर इसको पानी में फेंकिए, इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा है। देखिए दोस्तों तैयार हो गया। ओके दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, सारा बैठ हो गया, देख लिया ना। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए या मैसेज डालिए, वॉइस मैसेज, मैं आपको सारा डिटेल बताऊँगा। ओके थैंक यू।